भैया जिसके कंठ पे सरस्वती है वो सच्ची बात। और दादा लक्ष्मी चंद ने, दादा लक्ष्मी चंद ने जो हरियाणा के सूर्य कवि हुए, जिन्होंने हमारी इस रागनी जगत लोक विधा को बहुत बड़ा आयाम दिया, उन्होंने इस रागनी के अंदर बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। एक बुढ़ापे के ऊपर एक रागनी बनाई है और इस रागनी में बताया है कि जो इंसान घमंड करता है, जो काया माया का घमंड करता है, जर जोरू का घमंड करता है, एक दिन जब बुढ़ापा आता है वो खुद अपने आप से हार मान लेता है, खुद अपने आप से हार मान लेता है, अपना खुद का जाया बेटा भी उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। जब वो घाट में पड़ा उसकी नाड़ हालती है। सज्जनों सत्य बात है, कड़वा सत्य है, मैंने इस बात को परिणाम के रूप में अपनी आंखों के सामने देखा है। आइए इस रागनी के माध्यम से क्या बताया दादा लक्ष्मी चंद ने, कोशिश करूंगा सुनाने की, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना। क्या लिखा रागनी एक बंधन करते हुए किस प्रकार से, अरे ध्यान धरो दुर्गे तेरा तुमा छे रुद्दि बारे आवे बाहर के लिए।
माया उसके साथ में घटती है, और जो इंसान अपनी काया अपने रूप हुसन पे घमंड करता है, मानो जैसे आज मैं ये घमंड करने लगूं कि भाई मैंने कटिंग करवा रखी है, मैंने दाढ़ी बनवा रखी है, बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं, और उसकी फेस ब्यूटी, उस बुड्ढे की फेस ब्यूटी कहां उड़ जाती है, कहां समाप्त हो जाती है, वो सूरज चूस लेता है। और क्या लिखा दूसरी बात में, और तीसरी कली में अंतिम समय में भी बताया कि जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उसकी नाड़ी कोहनी में जाकर के बोलने लगती है, और पूरे मानव शरीर के ऊपर ये व्याख्यान लक्ष्मी चंद्र ने किया, और मुझ जैसे गाने बजाने वाले के लिए क्या कहा, इस अंत कली में क्या बताया।